औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में भव्य काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण कर नया इतिहास लिख दिया है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लंबे समय से इस बड़े और भव्य परियोजना पर काम किया जा रहा था। कारीगरों और शिल्पकारों ने लगभग 32 महीने में बाबा के पूरे परिसर का कायाकल्प कर दिया। अब बाबा विश्वनाथ मंदिर का विस्तार गंगा तट तक है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले गंगा स्नान या फिर आचमन का अपना अलग महत्व और मान्यता है। ऐसे में अब श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे और अब सब कुछ मंदिर के प्रांगण में ही होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया गया। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। अब हम आपको काशी विश्वनाथ की विशेषता बताते हैं। काशी विश्वनाथ धाम करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग सकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। इसमें काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी जैसी सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। शाम को रोशनी से जगमग मंदिर में आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता का नजारा देख सकते हैं। अब हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बताते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसीलिए आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ था। यहीं पर संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथ जी भागवत लिखकर पूरा किया और काशी नरेश तथा विद्वत जनों द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है। काशी विश्वनाथ का उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था।
इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। उन्हें सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्र मंदिर को तो नहीं तोड़ सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। कहा जाता है कि करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया था और फिर आगे लगभग 125 साल तक यहां कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब 286 साल बाद इस मंदिर को नए अवतार में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर फिर इतिहास लिखा गया है। सनातन धर्म में हिंदुओं में काशी विश्वनाथ मंदिर का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। काशी को सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये ज्योतिर्लिंग मंदिर गंगा नदी के पश्चिम घाट पर स्थित है। काशी को भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागलवारी हस्तिंग।